के ज्ञान को अपने मन मर्जी से ले लेते हैं या ज्ञान को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये है संयम भाई। संयम भाई, ऊर्जा भाई, अब तो मुझे देने का गाना भी बज गया। अरे भाई क्या हुआ भाई, रात डिनिंग हॉल से आते आते मुझे 11 बज गए। अरे डिनर के लिए तो तुम 7:30 बजे ही चले गए। हाँ पर डिनिंग हॉल से आते आते 11 बज गए और डिनर करते करते 12 बज गए। भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो कह रहा तुम भी यही सो जाओ। और रही बात अमृत वेला की, संगम युगी अमृत वेला का है, कभी भी कर देंगे। और बाबा भी अपना ही है भाई, मैं तो कह रहा तुम भी सो जाओ। सो जा फिर, तेरी मर्जी, फिर बाद में मत कहना मेरे को भी उठाया नहीं। तुम्हारी मर्जी भाई। एक ना एक दिन धर्मराजपुरी में हम सबको जाना है, तो आइए देखते हैं जब सैयम भाई वहां पहुंचे तो क्या हुआ। नाम तुम्हारा संयम है लेकिन तुम्हारा हर कर्म असंयम है। सेवा के समय भी, खाने के समय भी खाते ही रहते थे, सोने के समय भी सोते ही रहते थे, सेवा में व्यर्थ संकल्प चलाते थे, ज्ञान योग के टाइम भी तुम सेवा करने चले जाते थे। अब तो तुम्हारा फैसला करेंगे। नहीं चित्रगुप्त, नहीं, ये सरासर गलत निजाम है। मैं सेवा भी करता हूँ और दिल से श्रीमत का पालन भी करता हूँ। नहीं चित्रगुप्त, नहीं, ये गलत इल्जाम मत लगाइए। संयम बहुत सोली है लेकिन संयम खो दिया। अब तुम सोने की दुनिया में तो जरूर जाओगे। नहीं नहीं, लेकिन वहाँ सोने की बात नहीं, वहाँ 36 प्रकार के नहीं होंगे। नहीं, लेकिन खा नहीं पाओगे। नहीं धर्मराज, परंतु पकाओगे, बावर्ची बनोगे। नहीं धर्मराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए धर्मराज, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं। भाई जी यो पूरा हो गया, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। आज खाने में पकोड़े बने हैं। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ। हाँ भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी दीदी जी स्टेज पे आते ही होंगे, उनसे मिलके चलते हैं। भाई दीदी तो रोज ही स्टेज पे आते हैं, पकोड़े थोड़े ना बहुत बनते हैं। अरे धीरज भाई इतने अधीर क्यों रहते हो, मुरली क्लास में भी तो दीदी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत आतुर रहते हो, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। क्यों ना दो, मुझे हर प्रश्न का उत्तर आता है। अरे आसान से प्रश्नों का उत्तर देने में भी उछल उछल के देते हो। ठीक है भाई,
आपको नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो जा रहा हूँ पकौड़े खाने। तेरी मर्जी भाई, जा जा। तो आइए देखते हैं जब धीरज भाई धनरागपुरी पहुंचे तो क्या हुआ। धीरज धीरज, तुमने अधीरता में संगम का समय खो दिया। योग के समय भी व्यर्थ संकल्प चलाते थे, सेवा में भी उदारपन दिखाते थे, साथी भाई बहनों को भी डिस्टर्ब करते थे। अब तो तुम्हारा फैसला धर्मराज ही करेंगे। धीरज, अरे ओ धीरज, अब थोड़ा धीरज रखो क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी सजा सुनाई जाएगी। नहीं नहीं महाराज, मेरी सजा शीघ्र ही सुना दीजिए, मेरी और धीरज की परीक्षा मत लीजिए। तो सुनो, तुम सतयुग में तो जरूर जाओगे लेकिन द्वारपाल बनोगे। नहीं नहीं महाराज, अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं नहीं महाराज, यही मेरा अंतिम फैसला है, द्वारपाल। तो अब आ रही है मिश्री बहन। हरे बहन, दिन में आपको कम दिखता क्या? अरे आप अभी तो उंगली क्लास से आई हो और इतना कड़वा बोलती हो। कैसे जुबान चला रहे हो, कैंची की तरह कचर कचर कचर, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओम शांति में भक्ति होने, क्या बाहर की दुनिया में बेले थे जो सब यहाँ आ गए? तो देखते हैं जब मिश्री बहन घर पर आगपुरी पहुंची तो क्या हुआ। इनका नाम है मिश्री बहन, लेकिन जुबान इतनी कड़वाहट है, जुबान पे परमानेंट नीम चिपकी हुई है, बोल में कड़वापन दिखती है भी, कड़वाहट बोल दी है। धर्मराज ही इनका सबक सिखाएंगे। तुम्हारी सजा ये है कि तुम राजमहल में एक हिस्से में मिष्ठान भंडार संभालोगी। नहीं नहीं नहीं, द्वारपाल। तो अब आ रहे हैं सत्यवीर भाई। अरे भाई, मुझे बाबा से इतना प्यार है कि अमृत वेला डेली बाबा के कमरे में ही अमृत वेला करता हूँ। अरे ये झूठ बोलता है, मेरे कमरे में ही रहता है और रोज मैं मुरली क्लास के लिए उठाता हूँ, पर ये मेरा भाई उठता ही नहीं है। अरे भाई, जब तन मन धन सब बाबा का है तो ये कमरा भी तो बाबा का हुआ ना। और हाँ एक बात बताऊ, मैं रोज रात को मोबाइल से मुरली पढ़कर ही सोता हूँ। बड़ा आया हरीश चंद्र,
मोबाइल से मुरली पढ़ता है या क्रिकेट मैच की हाईलाइट देखता है? नहीं नहीं भाई, मुरली ही पढ़ता हूँ। चल झूठा। अब देखते हैं सत्यवीर भाई, जब घर में रात पूरी पहुंचे तो क्या हुआ? सत्यवीर झूठ की संपूर्ण खान है। इन्होंने झूठ में पीएचडी, पता नहीं कितने एलएलबी, ना जाने कितने कौन कौन सी डिग्री ली है। अब तो सत्य की दुनिया में कौन सी डिग्री मिलेगी ये तो धर्मराज ही आपको बताएंगे। रुकिए धर्मराज जी रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। ये चित्रगुप्त जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। चित्रगुप्त, गवाह पेश किया जाए। नरेश भाई को पेश किया जाए। धर्मराज जी ये बात बात पर झूठ बोलता है। मैं इसे रोज समझाता हूँ, मुरली क्लास के लिए भी उठाता है, पर ये बात ही नहीं सुनता। नहीं 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 नहीं, आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। तुम्हें सत्य की दुनिया में चंडाल का पद मिलेगा। नहीं, सभा को उठाना और उन्हें जलाना, यही तुम्हारी सजा है। नहीं धर्मराज जी, नहीं। अरे सुनो 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 भाई, ये मैं कल रात मैंने एक भयानक डरावना धर्मराज पुरी का सपना देखा। हाँ भाई मैंने भी देखा। हाँ भाई मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। आपने भी देखा? हाँ भाई मैंने भी देखा। सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि सजाओं से बचने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तथा स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की प्रतिज्ञा करेंगे। तो आइए हम सब भी इनके साथ प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं अपने हर कर्म में संयम और ईश्वरीय धारणाओं का पालन करूँगा। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने हर कर्म में धैर्यता से करूँगा और अनुशासन बनाए रखूँगा। मैं शिव बाबा के इस महायज्ञ में दृढ़ प्रतिज्ञा लेती हूँ कि अपनी सारी कमी कमजोरियों और बुराइयों का विनाश करूँ, मिष्ठान भंडार संभालने के नहीं लेकिन उसका आनंद लेने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करूंगी। ओम शांति। चलो थोड़ी प्रतिज्ञा मैं भी कर लूं। वैसे तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बट आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सच की पगडंडी पर ही चलूंगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत।